हमारे 11 विधानसभा के सम्मानित मतदातागण, सम्मानित साथियों और हमारे सम्मानित उम्मीदवार साथियों, जो लड़के आज पहली बार इस प्रदेश में मतदान का प्रयोग करेंगे, उनकी उम्र जब माननीय नेता इस प्रदेश की बागडोर संभाले थे तो 3 वर्ष रही होगी, और उसके पहले 5 वर्ष और 7 वर्ष के जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान साथी हैं, वो पहली बार इस प्रदेश में अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। यह इन बात को जानना जरूरी है कि किन हालात में माननीय नेता को यह प्रदेश मिला था और अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने कैसा बिहार बनाने का काम किया। एक ऐसा बिहार जो जातीय संघर्ष में पड़ा हुआ था, एक ऐसा बिहार जो नरसंहार में पड़ा हुआ था, 118 नरसंहार हुए थे, जो जातीय उन्माद पैदा करके और उससे जो भावना उत्पन्न होती थी उसका, जिसको बोलते हैं सम्मोहन करके और सत्ता पर कामिच रहने का काम करने वाले जो राजनीतिक दल इस प्रदेश में 15 साल तक रहे, उनके समय में इस प्रदेश का बजट मात्र 24,000 करोड़ रुपया था, और आज माननीय नेता ने अपने अथक प्रयास से और गुड गवर्नेंस देकर 2,15,000 करोड़ का बजट करने का काम किया। जो लोग दलित शोषित और वंचितों की बात करते हैं राजनीतिक दल, माननीय नेता के समय में दलितों के लिए इस प्रदेश में मात्र 40,000 करोड़ का बजट था और आज 1,700 करोड़ का बजट है। उसी तरह अल्पसंख्यकों के लिए मात्र 3,45,000 का बजट था और आज लगभग 550 करोड़ का बजट अल्पसंख्यकों के लिए। जो लंबे समय तक आजादी के 70 साल तक हाशिए पे पड़े रहे, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो लोग हाशिए पे पड़े रहे, बड़ी आबादी इस प्रदेश में महिलाओं की थी जो हाशिए पर थी, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का काम माननीय नेता ने पंचायत चुनाव के माध्यम से किया। जो नेता बड़ा होता है, जो दूरदर्शी होता है, वो योजनाओं का निर्माण करता है, बजट का प्रावधान करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। हम गौरवशाली महसूस करते हैं कि एक ऐसे नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं जिसका पूरा हिन्दुस्तान तक की नजर लगा के देख रहा है। ऐसी योजनाओं का इन 15 वर्षों में काम किया जिन योजनाओं को दूसरे राज्य और देश ने अंगीकार करने का काम किया। इसीलिए जो हमारी नस्लों को सुधारने का प्रयास कर रहा है, जब माननीय नेता आए थे तो 12% बच्चे इस प्रदेश में स्कूल के बाहर थे और आज 1% से कम बच्चे स्कूल के बाहर है। 24,000 प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया, 3 लाख से ऊपर करीब 4 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया गया, तालमी मर का जो टोला सेवक बना करके उन वंचित समाज के लोग जो महादलित टोलों से आते थे, अल्पसंख्यक बच्चे थे, उनको स्कूल लाने का काम किया। जो व्यक्ति प्रदेश की नस्ल को सुधारना चाहता है, आने वाली पीढ़ी को सुधारना चाहता है, हम समझते हैं हम सभी नौजवान साथियों को उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। नीतीश कुमार ने सबके लिए इस प्रदेश में काम करने का काम किया। इसके पहले की जो सरकारें थी वो चरवाहा विद्यालय बनाने का काम करती थी और माननीय नेता ने इस प्रदेश में IIT, BIT, NIT का निर्माण किया, इस प्रदेश में आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय का निर्माण किया, इस प्रदेश में चाणक्य लॉ संस्थान का निर्माण किया। जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहा है, संस्थाओं का निर्माण कर रहा है, और अपने 7 निश्चय 2 में उन्होंने अपने नौजवान साथियों के लिए स्किल डेवलपमेंट की योजना का निर्माण करने की बात कही है। तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहता है, महिलाओं को सशक्त करना चाहता है, जिसको आपने 15 साल तक परखा है, जो 3.3 के ग्रोथ रेट को 11.5 करने का इस प्रदेश में काम किया है, वैसे नेतृत्व के साथ, सशक्ति के साथ, मजबूती के साथ खड़ा रहने का काम करें। और जिसने इस बिहार को नए बिहार का सपना देखा है, 21वीं सदी का बिहार का सपना देखा है, उस सपना को पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री RCP सिंह जी, संगठन महामंत्र के राष्ट्रीय महामंत्र सचिव। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी वरीय नेतागण और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे NDA के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता साथियों, बहुत बातें अभी नहीं करनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सब बातों को रखेंगे। मैं सिर्फ जितने हमारे साथी आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और जो संगठन में काम करते हैं उनको मैं 2-3 बातें सिर्फ कहना चाहूंगा कि मैंने बराबर कहा है कि आपने जो पूरी तैयारी की है पार्टी के लिए संगठन में बूथ से लेकर के जिला तक, तो अभी समय आ गया है कि चुनाव के दिन जो 28 तारीख को जो वोट पड़ेगा 7 बजे से 6 बजे तक, तो हम सब लोगों को अभी जो समय है इसमें घर घर जाकर करके हमारे जितने बूथ अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे जिला के साथी हैं, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, आपस में समन्वय कर लें, जो हमारे NDA के सहयोगी साथी हैं उनसे समन्वय कर लें और इस सरकार ने जो काम किया है
घर घर जाकर करके इसको बता दे, जिससे कि 28 तारीख को जब हमारे मतदाता वोट डालने जाए, और सब लोगों ने मन बना लिया, हम लोग भी बाहर घूमते रहते हैं, कि सब लोग की ये इच्छा है कि पुनः बिहार में हमारे नेता आदर नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने। और इसके लिए जरूरी है कि जो हम लोग अभी फर्स्ट फेज में जो 71 सीटों पर लड़ रहे हैं, उसमें जो हमारा जनता दल यू का 35 सीट है, 7 सीट हमारे जितने हमारे मांझी जी का है, 6 सीट बाकी भारतीय जनता पार्टी का है, और इन 11 सीटों पर जिसके साथी हमारे से जुड़े हुए हैं, जिसमें जनता दल यू के साथी हमारे जुड़े हुए हैं, सब लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग अभी से संकल्प कर करके अपना मनोबल ऊंचा कर करके हर एक बूथ पर जाकर करके जो हम लोगों ने आपको नारा दिया है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, इसको कामयाब करने का समय आ गया है, इसको कामयाब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हमारे एनडीए के सारे साथी भी जुड़े हुए हैं विभिन्न जगहों पर, भारतीय जनता पार्टी के, हम के, वीआईपी के, उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी से, कि आए और अपनी बात आपके बीच में रखें। बिहार विधानसभा के लिए जो चुनाव आयोजित है और पहले फेज के लिए आज से चुनाव अभियान की शुरुआत हो रही है, और आज भागलपुर जिले के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के हमारे उम्मीदवार ललित मंडल जी, बांका जिले के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार जयंत राज जी, धुरैया अनुसूचित जाति क्षेत्र के हमारे उम्मीदवार श्री मनीष कुमार जी, तेलहर के हमारे उम्मीदवार श्री मनोज यादव जी, मुंगेर जिला के तारापुर से हमारे उम्मीदवार श्री मेवालाल चौधरी जी, जमालपुर से हमारे उम्मीदवार श्री शैलेश कुमार जी, लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार श्री रामानंद मंडल जी, शेखपुरा जिले के शेखपुरा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार श्री रणधीर कुमार सोनी जी, बरबीघा से हमारे उम्मीदवार श्री सुदर्शन कुमार जी, नवादा जिले के नवादा से हमारे उम्मीदवार श्री कौशल यादव जी, और गोविंदपुर से हमारे उम्मीदवार श्रीमती पूर्णिमा यादव जी। मैं सबका और इनके साथ जितने भी हमारे पार्टी के और हमारे गठबंधन के सब लोग एनडीए के साथ में बैठे हैं, मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे पार्टी के अनेक साथियों ने यहां पर कुछ बातें रखी, हरसिमरत सिंह जी ने संक्षेप में कुछ बात रखी, अन्य हमारे साथी जो हमारे संजय जी हैं, इन्होंने, संजय झा जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत कराई है, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, इन्होंने भी थोड़े संक्षेप में अपनी बात कही है। मैं सबका स्वागत करता हूं और हमारी शुभकामना है कि चुनाव का अभियान हमारे सभी साथी पूरी बुलंदी के साथ करें। अब आज तो हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की है और आज तो ये वर्चुअल रैली का कार्यक्रम है और कल भी है और परसों से हम क्षेत्र में जाना शुरू कर देंगे, 14 तारीख से ये पहले से ही कार्यक्रम तय है, जिसका जिक्र अशोक चौधरी जी ने भी और संजय जी ने भी कर दिया है। हम लोग तो इस काम की शुरुआत आज कर रहे हैं, लेकिन आज एक दुखद घटना घट गई है। आज हमारे माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद कुमार सिंह जी का आज असामयिक निधन हो गया है। उनकी तबीयत खराब थी, वे दिल्ली में भर्ती हुए थे,
मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। बीच में स्थिति ठीक हुई लेकिन फिर अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और आज वो नहीं रहे। ये बहुत ही दुखद है। वो एक लोकप्रिय राजनेता थे, कैबिनेट में तो हमारे सहयोगी थे ही, लेकिन काम बहुत ही बुलंदी के साथ वो करते रहते थे। ये तो एक अपूर्णीय क्षति है राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में। उनके असामयिक निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख हुआ है। मैं इस बात को लेकर के तकलीफ है मुझे, और अब उनका अंतिम संस्कार जो होगा, जो भी नियम है, राजकीय सम्मान के साथ वो किया जाएगा। और अब आगे जो चुनाव की तैयारी है वो तो हम लोगों का सबका दायित्व है, इसलिए आज का चूंकि कार्यक्रम पहले से निर्धारित था इसलिए इसको अब हम लोग अब आगे स्थगित नहीं कर सकते थे, इसलिए आज इस कार्यक्रम को हम चलाए हैं। वरना उनके असामयिक निधन से जो मुझे बहुत ही पीड़ा है, तकलीफ है। और अब जो हमारे जितने साथी हैं, जो चुनाव के बारे में जो बात होनी है, ये सब लोग, आप सब लोग अवगत हैं। हमारे साथियों ने इसकी कुछ प्रारंभिक चर्चा भी की है। अब जो चुनाव हो रहा है, लेकिन आप जरा देख लीजिए कि बिहार के लोगों ने जो काम करने का मौका हम लोगों को दिया, 2005 से जो काम करने का मौका दिया है और तीन टर्म से हम लोगों ने काम किया है और जितना मजबूती के साथ काम किया है, हमारा क्या उद्देश्य रहा है शुरू से? न्याय के साथ विकास। और इसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और यही प्रारंभ से करते रहे। अगर इसको देख लीजिए, और हम तो बराबर कहते रहे कि जो हालत पहले था वो कितना बुरा हाल था, और उसके बाद जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है तो कितनी मजबूती के साथ हम लोगों ने काम किया। अब उसके बारे में तो हम चर्चा थोड़ी देर के बाद करेंगे, लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबको मालूम है, ये जो पिछले 8 महीने से जिस तेजी से लोगों के बीच में जाकर जनसंपर्क होना चाहिए था वो उस प्रकार से नहीं हो पाया, और आज जिस तरह से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल रैली के माध्यम से हम लोग अपनी बात रख रहे हैं और पहले भी रखे हैं, उसका कारण क्या है? ये दुनिया भर में जो ये कोरोना वायरस फैला है, COVID-19 के नाम से इसको कहा गया है, और जिस तरह से दुनिया भर में इसका प्रभाव पैदा हुआ है कोरोना का, अपने देश में भी हुआ, अपने राज्य में भी हुआ, और इसको लेकर के जो भी जरूरी कदम है वो कदम हमारे यहां उठाए गए। पहले तो जितना काम किया जा रहा था और एक एक समय हम लोग इतना सचेत रहे हैं, शुरू से ही जब से ये काम शुरू किया गया है, मार्च से ही जो हम लोगों ने शुरू किया है और केंद्र सरकार ने इसके लिए जो काम किया, तो उनका जो गाइडलाइन जारी हुआ उस गाइडलाइन का पालन करते हुए और बिहार की स्थिति को देखते हुए जो भी आवश्यक कदम था हम सब लोगों ने इसको उठाया है। और कितनी जांच, कुछ लोग तो बड़ी आलोचना किया करते थे, जो उस स्थिति में बाहर लोग फंसे हुए थे उनके आने का, और फिर जब अनुरोध हुआ तो रेलगाड़ी से, पैसे तो अन्य प्रकार से भी लोग आ गए, लेकिन रेलगाड़ी की व्यवस्था केंद्र सरकार ने की और कितनी बड़ी संख्या में लोग आए, और उसमें से हम लोगों ने 8 जगहों से जो लोग आए थे उनको अलग रखने के लिए जो हम लोगों ने इंतजाम करवाया 15 लाख लोगों के लिए, और उसमें जो हम लोगों ने किया एक एक व्यक्ति पर 14 दिन रखा, हम लोगों ने एक एक व्यक्ति पर 5300 रुपया खर्च किया, इतना हम लोगों ने ध्यान दिया एक एक चीज का। जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनकी पूरी जानकारी लेकर के, और सबको हम लोगों ने लगभग 21 लाख लोगों को 1000 रुपया की मदद राज्य सरकार की तरफ से किया। एक एक काम हम लोग करते रहे, और जो लोग आ गए हैं उनसे बातचीत, उनसे संपर्क, और ये करते हुए कि किसी को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़े,
और यहां पर भी अधिक से अधिक काम उनको कैसे मिले, इसके लिए कितनी तैयारी करके और जितना काम हम लोगों ने करना प्रारंभ किया है, और कोरोना का संकट घटे बढ़े नहीं, इसके लिए जितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जांच की कार्रवाई की है, आप जानते हैं 1 लाख से भी ज्यादा जांच प्रतिदिन हो रहा, कभी कभी तो 2.25 लाख तक की जांच हुई है, और आज स्थिति क्या है, 10 लाख की आबादी पर इस देश में जो औसतन जांच है उससे लगभग 3000 ज्यादा जांच 10 लाख की आबादी पर बिहार में हम लोगों ने किया, एक एक प्रकार से काम जो करते हुए और जिस तरह से हम लोगों ने कोशिश की है सबकी रक्षा करने के लिए, सबका काम करने का, तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि एक एक चीज और किस तरह से राशन कार्ड धारियों के लिए जो वंचित थे उनको राशन कार्ड का आवंटन किया गया, केंद्र हम लोगों ने 1000 रुपया सबको दिया, केंद्र सरकार ने तो दिया है और ये चलेगा समझ लीजिए अगले महीने तक, ये चलेगा नवंबर तक लोगों को मुफ्त में, उसके अलावे जो राशन कार्ड के माध्यम से अनाज मिलता है उनको उसके अलावे मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देना और दाल का भी प्रबंध करना सब परिवार के लिए 1 किलो का, तो ये सब काम जो किया जा रहा है बड़े पैमाने पर हर प्रकार से लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के हित के लिए, और अगर इस कारण से किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को हम लोग राज्य सरकार की तरफ से जो सीएम रिलीफ फंड है उसके माध्यम से 4 लाख रुपए की हम लोग मदद करते हैं परिवार को, तो हर तरह से हम लोगों ने कोशिश की है कि लोगों को पूरा करें, और हर प्रकार से हम लोगों ने त्रिस्तरीय व्यवस्था इलाज के लिए भी किया है, हर काम किए हुए हैं, ये कोई नहीं जानता, अभी तो बहुत नीचे गया लेकिन कोई जानता नहीं कहीं नीचे गया कहीं फिर ऊपर बढ़ गया, तो ये तो कोई जानता नहीं है कब ये स्थिति ऊपर जाएगी और ये कब तक खत्म होगा, ये तो दुनिया भर की समस्या है, इसलिए हम लोगों को सजग रहना है, सचेत रहना है, अब ये चुनाव चल रहा है इस बीच में, इसलिए हम सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह यही करेंगे कि भाई सतर्कता का इस्तेमाल कीजिए, सचेत रहा करिए, ये जरूर है, और मास्क का जरूर प्रयोग करिए, ये हम लोग कहने वाले हैं, ये हमेशा आपसे कहते रहे, तो ये तो हम लोगों का आग्रह है आप सब लोगों से, और इसके अलावे आप जानते हैं कि जो कुछ भी आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है उसमें हम लोगों ने काम किया, इस बार भी पिछले वर्ष भी किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई कितना हम लोगों ने सहायता की, और इस बार भी जून जुलाई में ही जो बाढ़ की स्थिति आई कितने लोग प्रभावित हो गए, लगभग 92,63,000 लोग की जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई, तो उसके लिए जो कुछ भी हम लोगों ने देखा कि ये 19 जिलों में प्रभावित हुए हैं और जितना परिवार प्रभावित हुआ है वो सबको हम लोग ग्रेचुटस रिलीफ 6,000 रुपया प्रति परिवार को दे रहे हैं और दिया है हम लोगों ने, अब लगभग पूरा हो गया है, कोई 11 अक्टूबर 2020 तक यानी 21,86,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6,000 रुपए की दर से हम लोगों ने मदद की है, और ये 1,312 करोड़ रुपया लोगों को पहुंचाया है, और इसके बाद जो फसल का एक जो खेती से प्रभावित हुई फसल का जो नुकसान हुआ उसका भी आकलन किया गया है, 20 लाख एकड़ क्षेत्र में फसल क्षति हुई है, इसके लिए 970 करोड़ रुपया लोगों को किसानों को सहायता देने की स्वीकृति दी हुई है, अब ये अनुमति लेकर के ये सारा काम विभाग से, चूंकि अब चुनाव का पीरियड आ गया है इसमें बहुत सारी अनुमति लेनी पड़ती है चुनाव आयोग से, तो उसमें अपना सरकार के लोग काम कर रहे हैं, तो मैं तो यही बताता हूं, और आपदा पीड़ितों के लिए पहले कोई काम होता था बोलने के लिए तो कई तरह के लोग बोलते रहे, कोरोना के दौरान कई प्रकार की बात पोखते रहे और उसके बाद आपदा की स्थिति में कुछ बात बोलते हैं, लेकिन क्या कभी हम लोगों के काम के पहले किसी ने कुछ आपदा को समझा था, आपदा पीड़ितों के लिए कोई मदद की थी कभी, क्या मदद की थी, नवंबर बीत जाता था साहब कुछ मदद करेंगे तो पहले लिस्ट तैयार हो गया, किसी को मिला कुछ नहीं मिला, 25 किलो अनाज वो भी नहीं होता था, और हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया आपदा के लिए, एक एक चीज आपदा प्रबंधन के लिए हम लोगों ने हर चीज के लिए योजनाएं बना दी, एक एक चीज का दिशा निर्देश जारी किया, इसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रदान की और ये तय किया कि आपदा पीड़ितों का अधिकार सरकार के खजाने पर सबसे पहला है
और उसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और हम एक बार नहीं, अनेक बार इन सब बातों की चर्चा करते रहे तो हर तरह से हम लोगों की मदद करते रहे। तो इतनी इतनी जगह से, और इसके अलावा आप बताइए 15 वर्ष से कितना ज्यादा हम लोगों ने डेवलपमेंट का काम किया, विकास का काम किया, कितना ज्यादा विकास हुआ है। जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, अगर स्थिर मूल्य पर लीजिए तो 2005 में हम लोग आए, और उसके बाद भी जो 2006-07 का हम देख रहे हैं कि जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद था पूरे बिहार में, इतना बड़ा राज्य, इतनी आबादी राज्य, इसका जो सकल घरेलू उत्पाद था राज्य का 88,840 करोड़ रुपया था, और 2019-20 में आकर यह हो गया है 4,14,977 करोड़ रुपया। और इस अवधि में स्थिर मूल्य पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर यानी विकास दर 12.59% की रही है। अब आप सोच लीजिए, स्थिर मूल्य पर हम ये बात कर रहे हैं तो कितना ज्यादा कोई भी चीज हुआ है। बिहार में जनसंख्या की वृद्धि दर तो बहुत हुई है, लगभग मान लीजिए 20% का, लेकिन 15 वर्षों में विकास का दर, जो कई लोग कुछ बात बोलते रहते हैं, हम आजकल देखते हैं, कई आर्टिकल देख लेते हैं, लेख देख लेते हैं, लोगों को पता नहीं है क्या है बिहार का विकास दर। डबल डिजिट में बिहार का विकास दर रहा, 10% से ज्यादा विकास हुआ। हम लोगों ने तो ये काम किया, ये ठीक बात है कि हम लोग चाहते थे उद्योग लगे, इसके लिए बहुत मेहनत किया, तो लोग उद्योग नहीं लगाते हैं या उस तरह से बड़े उद्योग कोई नहीं लगाते, लेकिन हर परिवार का, हर गांव का, हर शहर में जो काम हम लोगों ने करने की कोशिश की है उससे ही प्रगति हुई है, उससे ही प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई है, और कहीं से भी कोई हिला भुखमरी की स्थिति नहीं हुई। आप जानते हैं कि कोई भुखमरी का शिकार हुआ? किस तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, गांव गांव में और विकेंद्रित तरीके से काम किया। अगर कोई आते बड़े बड़े उद्योगपति और यहां पर उद्योग लगाते तो उसका उसी को लोग देखते कहते बड़ा उद्योग हो रहा, लेकिन अब वो नहीं आए क्योंकि चारों तरफ से हम लोग तो घिरे हुए वाले इलाके हैं, ज्यादा बड़ा उद्योग कहां लगता, समुद्र के किनारे जो राज्य पड़ते हैं उन्हीं जगहों पर ज्यादा पड़ता है। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की, आगे भी बहुत सारी नीतियां हम लोगों ने बनाई है कि हमारे लोग जो बाहर जाते हैं यही उनको काम करने की सुविधा मिले, उस पर भी बहुत सारा काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, इतनी बात लोग बोलते रहते हैं, विकास का दर कितना ज्यादा हुआ है हम लोगों का, प्रति व्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद जिसकी बात हमने कहा आपको कि 10% से अधिक रही, और आप समझ लीजिए कि एक एक जगह पर लोगों ने जिस तरह से काम किया है ये सबके अनुभव के लायक चीज है। तो विकास का भी काम हुआ है। अब आप बताइए, कानून का राज हम लोगों ने स्थापित किया। हम क्या बोलते रहते हैं कि हर तरह से, किसी भी तरह से हम क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, न अपराध को बर्दाश्त करेंगे, न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेंगे, और न कम्युनलिज्म को बर्दाश्त करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया है, और किस तरह की स्थिति आई है, जो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो 2018 का प्रकाशित हुआ है, यह पूरा का पूरा क्राइम की स्थिति में इस देश में बिहार का स्थान 23वें नंबर पर है। लेकिन लोग तरह तरह की बात करते हैं, मैं तो इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। और इसके अलावा जो शुरू से ही काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई के लिए, आगे शिक्षा को, उच्च शिक्षा के विकास के लिए सब काम जो हम लोगों ने किया है, हम बराबर इसकी जानकारी देते रहे। लड़कियां कितना स्कूलों के बाहर रहती थी, हमारा जो प्रजनन दर है, जो हमने कहा कि आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, इस प्रजनन दर को कम करने के लिए जो हम लोगों ने आकलन किया, और जब देख लिया कि इस देश में अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो औसत प्रजनन दर 2, और बिहार में भी उसका सर्वे हुआ तो उसका भी औसत प्रजनन दर 2, और अगर इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो देश में
औसत प्रजनन दर 1.7 और बिहार में 1.6। इसी से यूरेका की भावना मेरे मन में आई और हमको लगा कि हम अपने यहां की लड़कियों को, हमने तो शुरू से ही काम किया था, पोशाक योजना, साइकिल योजना, कितने बड़े पैमाने पर लड़कियां पढ़ी, कितनी कम लड़कियां पढ़ती थी मैट्रिक में 1,70,000। और अब इस बार जो परीक्षा हुआ तो आपको पता है कि मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से भी ज्यादा हुई। तो इतना काम किया गया है। और जो हम प्रजनन दर की बात कर रहे हैं, इसी के लिए हरेक ग्राम पंचायत में 12वीं तक की पढ़ाई हो, और कुछ जो बचे हुए थे जो पंचायत, वहां पर 3,000 के करीब, वहां भी 9वीं कक्षा के लिए काम शुरू कर दिया गया। अब इस समय कोरोना का संक्रमण जो आया है उसके चलते भले ही वहां पर पढ़ाई बहुत करने में कई तरह की बीच में व्यवधान था, लेकिन हम लोगों ने तो सारा इंतजाम कर दिया और हर प्रकार से सबको पढ़ाएंगे। तो कौन सा क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र को देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में कितना काम हुआ है। पहले कहां जो लोग बोलते हैं, जरा उनसे पूछिए कि 15 साल पति पत्नी के राज का था और क्या होता था, कहां किसका इलाज होता था भाई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, वहां पर कितने लोग एक महीने में इलाज कराने जाते थे, एक महीने में 39, आप जरा सोच लीजिए, मतलब एक दिन में एक मरीज प्रखंड स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने मुफ्त दवा से लेकर के सारा इंतजाम किया। और आज पता है अब एक महीने में औसतन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10,000 लोग इलाज कराने जाते हैं। तो आप जरा कल्पना कर लीजिए कि किसी भी क्षेत्र में कितनी वृद्धि, और मेडिकल के क्षेत्र में कितना ज्यादा इंतजाम, लोगों की नियुक्ति भी और लोगों के पढ़ाने का भी इंतजाम हम लोगों ने किया है। एक एक चीज की बात हम नियमित रूप से लोगों को ये जानकारी देते रहे। और जो हम लोगों ने अभी पिछले महीने 7 तारीख को किया था, हमने एक एक चीज की जानकारी दे दी, हर क्षेत्र में विस्तृत जानकारी दे दी। और अब चुनाव का मौका है, हम एक एक चीज में अगर विस्तृत जानकारी देंगे तो फिर आपका समय बहुत लग जाएगा। इसलिए हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि एक एक क्षेत्र में काम हुआ, और इन सब बातों की जानकारी हम लोगों ने सब लोगों को दी है, तो अब जान रहे हैं। और हम लोगों ने कहा न्याय के साथ विकास, सबका उत्थान। अब जरा देख लीजिए महिलाओं का, कितनी भूमिका महिलाओं की पहले रहती थी, आज कितनी बड़ी भूमिका, उनके शिक्षा पर भी हमने ध्यान दिया। और उसके बाद जो जीविका समूह बनाया, कितना कम स्वयं सहायता समूह पहले था, लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के जीविका योजना की शुरुआत कराई। और हमने अपना लक्ष्य रखा और हमने देखा कि जीविका योजना से जो स्वयं सहायता समूह बना है उसमें महिलाओं में कितनी जागृति आ रही है। उसके लिए हमने रख दिया था कि भाई कम से कम हम 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाएंगे। और मुझे खुशी है कि अब 10 लाख स्वयं सहायता समूह तो बन गया और 1,20,00,000 महिलाएं इस बिहार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई। लोग बोलते रहते हैं, कुछ जानते हैं क्या उत्थान हो रहा है महिलाओं का, किसी को है पता? सिर्फ मर्द अगर काम करते थे, हमने तो शुरू में कहा कि अगर स्त्री और पुरुष दोनों काम करेंगे तभी सही मायने में विकास होगा। तो आज जो बिहार का विकास दर बढ़ा है, इसके प्रति कोई ध्यान देता है? हम तो भाई अपना काम करते रहते हैं। आज चुनाव का वक्त है, हम बीच में जहां कहीं भी अपने अभियान में जाते हैं इन बातों की चर्चा करते रहे, लोगों को मालूम है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि जितना काम हुआ उसके बारे में कह दो कि कुछ नहीं हुआ। जरा बताइए, इसका महत्व तो नहीं है कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं में जागृति आई है? और महिलाओं के सम्मान के लिए जो हमने, जैसे ही काम हमको करने का मौका मिला, हमने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। हम तो चाहते हैं भाई कि देश में भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में भी मिल जाए कम से कम 35% का आरक्षण। तो हम लोगों के पास तो जितना संभव था, हम लोगों ने अब देख लीजिए 115 सीट लड़ रहा है, तो उसमें देख लीजिए जो भी हमसे संभव है। हम लोग तो चाहते हैं कि सब जगह हो महिलाओं के लिए उनका उत्थान। और सरकार की नौकरियों में, पुलिस में भी 35% का आरक्षण और अन्य सेवाओं में भी 35% का आरक्षण।
आज कितनी बड़ी संख्या में जरा कहीं देखते हैं, शायद ही कोई और राज्य होगा जिसमें इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं पुलिस में होंगी। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। अब हमारा काम तो है नहीं कि भाई हम प्रचार करें, अनावश्यक करें, काम कीजिए, सेवा ही हमारा धर्म, हम तो सेवा करते रहते हैं, सबकी सेवा करते हैं, हम बराबर आपके बीच में इस बात को रखते हैं। तो हर तरह से, और उसी तरह से समाज के जो उपेक्षित लोग हैं, चाहे वो महादलित हो, दलित हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, सबके उत्थान के लिए जो हम लोगों ने काम किया है, एक एक चीज के बारे में जो भी काम किया है, आप जरा बताइए कि किस तरह से हम लोगों ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के लिए किस तरह से हम लोगों ने उद्यमी योजना की शुरुआत कराई। कौन सा क्षेत्र है जिसमें लोगों को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपया में 5 लाख रुपया सरकार ग्रांट देती है और 5 लाख रुपया में बिना कोई टैक्स के उनको सहायता देती है, ऋण देती है। तो इस तरह से जो सारा काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा काम किसी भी क्षेत्र में, अब मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, अब बताइए हर पंचायत में पहले 5 अब कर दिया 7, यानी 4 अनुसूचित जाति जनजाति को और 3 अति पिछड़े वर्ग के लोगों को परिवहन के लिए वहां से लोग ले जाएं, खरीदें, 50% का उसमें हम लोगों ने योगदान दिया है, सहायता दी है। तो इस तरह से एक एक काम आप देख लीजिए। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ये लोग जाते हैं चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, अगर बीपीएससी में पहली परीक्षा पास कर गए तो वैसे छात्र छात्राओं को हम लोग देते हैं, युवा युवतियों को हम लोग देते हैं 50,000 रुपया की मदद अंतिम परीक्षा के लिए, और कोई यूपीएससी पास कर जाता है पहला परीक्षा तो अंतिम परीक्षा के लिए उसको 1 लाख रुपए की सहायता। तो हर प्रकार से किस किस तरह से एक एक तब इस तरह के तबके के लोग जो समाज के बाहर है, यानी जो हाशिए पर है, जो किनारे पर है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोग ये सारा काम जो करते चले जाते हैं। क्या हुआ, छात्रावास अनुदान 1,000 रुपया प्रति माह की सहायता, और उसके बाद उनको 15 किलो का अनाज देना हर महीने। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। और अभी जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार के शिकार होते हैं, इसके लिए कानून बना हुआ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, उसका नियम है 15(1)(घ). अभी मीटिंग थी कुछ दिन पहले, और उसमें और इसके पहले की भी जो मीटिंग थी, जो अनुसूचित जाति के लोग हत्या के शिकार होते हैं, उन पर लगता है कोई आक्रमण करता है, कई तरह की बातें होती है, उस पर जो इस अधिनियम के अंतर्गत उनके लिए सहायता मिलती है, हम लोग तो शुरू से सहायता देते रहे। हम एक जगह गए हुए थे, वहां पर उसने कहा कि हमको कुछ नौकरी का भी उपाय करिए। हमने फिर देखा कि भाई कानून में तो प्रावधान है, तब हमने पिछले ही साल मीटिंग में कहा कि भाई कानून में प्रावधान है कि राज्य सरकार को नियम बना करके नौकरी देने का अधिकार है ये 15(1)(घ) के तहत। तो उसी पर हमने कहा, और इस बार जब मीटिंग थी उसमें हमने मीटिंग में कहा कि भाई इतना देर हो गया, अभी तक क्यों नहीं आप लोग नियम का लाए, और नियम ला करके उसका उपाय कर दिया गया। कुछ लोग इसके बारे में बोल रहे थे, अरे भाई कमाल की बात है, देश का जो कानून है उसके अंदर प्रावधान है, राज्य को नियम बना करके हम लोगों तो नियम बना दिया, अगर वो उसके शिकार होंगे तो उनको हम लोग मदद करेंगे, हर प्रकार की सहायता तो मिलती है, उसके अलावे उनको नौकरी भी देने का हम लोग प्रावधान करेंगे। तो हर तरह से जो कुछ भी संभव है, कौन सा काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कौन सा काम, जरा देख लीजिए, परित्यक्ता महिलाओं को 25,000 रुपया क्या हम लोगों ने किया, हुनर एवं औजार का कार्यक्रम, कितने बड़े पैमाने में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को हम लोगों ने पहले ही टर्म में ट्रेनिंग कराया, किस तरह से उसका लाभ उनको मिलना शुरू हुआ। और आपको मालूम है जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लोग बात करते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन जरा बताइए 89-90 में भागलपुर में जो दंगा हुआ था तो क्या किया था इन लोगों ने, लोगों के लिए कुछ किया था, क्या हुआ था जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला 2005 में, हमने दोबारा आयोग बना करके जांच कराया, और उसके बाद साथ से ही हम लोगों ने क्या करना, सबको जो सहायता देने का काम हम लोगों ने शुरू किया, मुआवजा दिया, सबको पेंशन दे रहे हैं जो पीड़ित परिवार है,
2500 रुपया प्रति माह देते थे, उसको बढ़ा करके 13 में 5000 रुपया कर दिया। तो एक एक काम हम करते हैं, हम वोट की चिंता नहीं करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है, सबकी सेवा करते हैं, किसी के साथ कोई अन्याय हो। और हमने शुरू में कह दिया किसी तरह से न हम क्राइम बर्दाश्त कर सकते हैं, न करप्शन बर्दाश्त कर सकते हैं, न कम्युनलिज्म। तो जो जिनको करना था वोट ले लेते हैं, लेकिन किया क्या? जो शिकार हुए हम ये पूछना चाहते हैं? लोग बोलते रहते हैं, हम लोगों को तो हंसी आती है जब भी कोई बात करते हैं। और कोई चीज आजकल तो सोशल मीडिया हो गया, ट्वीट किया जाता है, तो ट्वीट करने पर कमेंट जो करता है जरा देख लीजिए, नकली नाम होगा वो जरूर। और ट्वीट क्या करता है? बात पर नहीं, अनाप शनाप लिखता। कौन लोग है, क्या नामकरण लेकर के इस काम को करते हैं? समाज में तनाव पैदा करने के लिए यही सब कुछ लोगों का धंधा है। और हम समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाने के लिए एक एक मिनट हम लोगों ने काम किया है। आप जरा बता दीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में और किस तरह से हम लोगों ने कोशिश करने की कोशिश की है, किसी तरह से उस तरह से दंगा वगैरह नहीं हो। क्या काम हम लोगों ने किया, हर तरह से समाज में प्रेम का, सद्भावना का, शांति का, हर तरह से हम लोगों ने काम करने से शुरू किया है। और आप जान रहे हैं मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना, और आपको पता है हम तो चाहते हैं सब उर्दू पढ़ना जाने, तो हम लोग तो मिडिल स्कूल में उर्दू शिक्षकों के बारे में हमने निर्णय कर दिया, कुछ की बहाली हुई नहीं हुई, हमने फिर कहा कि भाई तेजी से करना चाहिए, द्वितीय भाषा है, उसका सम्मान होना चाहिए, सीखना चाहिए। कोई भी भाषा लोग चाहता है करे, अगर कोई चाहे तो उर्दू भाषा भी सीखे। और एक बार जब अगर उर्दू को भी सीख लेगा तो लोगों का लैंग्वेज, लोगों की भाषा और कितनी अच्छी हो जाएगी। तो हम लोग तो एक एक काम करते रहते हैं, कौन कौन सा काम नहीं किया है, किस क्षेत्र में, इन सब चीजों के बारे में। तो सब तरह से काम, अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, इसमें हम लोग मदद कर रहे हैं, बिहार राज्य वक्फ विकास योजना, जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का निर्माण हम लोगों ने शुरू किया कि हर जिले में एक आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा, उच्च विद्यालय तक का, उच्च प्राथमिक विद्यालय तक का इसमें उसका निर्माण होगा। तो हर प्रकार से काम करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इसके अलावे सब तरह से हम लोगों ने कोशिश की है काम करने का। और जो हमारे महान हस्ती हैं, चाहे मौलाना मजहरुल हक हो, अब्दुल कयूम अंसारी हो, गुलाम सरवर हो, सबके स्मृति में भवन का निर्माण, कौन कौन सा काम, सूफी संतों को, संतों के कार्यस्थलों पर खानकाहों के लिए जो कुछ भी हम लोग सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समाज के हर तबके का उत्थान, ये हमारा उद्देश्य है। और समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे, इसलिए हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया है। और किसी की उपेक्षा नहीं हो, जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण, तत्काल हम लोगों ने उसका उस चीज को यहां पर लागू करवाया हर काम के लिए। और जो वृद्धजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जो वंचित है, चाहे उनकी जो आमदनी हो, किसी भी बिरादरी के वो लोग हों, उन सब लोगों को भी पेंशन योजना का लाभ मिले। और इसके लिए लगभग 22 लाख लोग इसका लाभ लेना शुरू कर चुके हैं। तो कौन सा काम, एक एक काम के लिए हम लोगों ने हर तरह से काम किया है। तो आपको एक एक चीज शुरू से ही काम किया, हर क्षेत्र का काम, चाहे सामाजिक क्षेत्र का काम हो, समाज के हर तबके का उत्थान हो और विकास का काम। आप बताइए क्या हालत था पहले सड़क का, क्या हाल था सड़क का। और जो कानून का राज तो हम बताए ही हैं, अब बताइए शाम के पहले कोई, शाम के बाद कोई निकल पाता था, और आज क्या स्थिति है। तो जरा इसको देख लीजिए कि एक एक चीज के लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, सड़कों का काम, पुल पुलियों का, कितने बड़े पैमाने पर काम किया, लगभग हर गांव को सड़क से जोड़ चुके। तो हर तरह से, और केंद्र की भी मदद से, जो नेशनल हाईवे है उन सब चीजों में काम हो रहा है बड़े पैमाने पर, 50,000 रुपए की मदद से केंद्र की तरफ से भी हो रहा है, लेकिन राज्य की तरफ से अपना जो स्टेट हाईवे, ग्रामीण पथ है, उन सब के लिए जितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने लोगों के बीच में इस सड़क के निर्माण का काम किया है इतने बड़े पैमाने पर, और उसके बाद उसके रख रखाव की जिम्मेवारी,
चाहे सड़क और पुल पुलिया हो, एक एक चीज की नीति। कौन लोग बोलता है हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, जितना और हुआ है पहले टर्म से भी ज्यादा मेहनत हमको दूसरे टर्म में करना पड़ा है और दूसरे टर्म के बाद तीसरे टर्म, अभी हम जितना मेहनत हम लोगों ने किया है सबके सहयोग से जो कोशिश करने की हम लोगों ने कोशिश की है, तो कौन सा काम हर क्षेत्र में। अब आप बताइए, हर घर बिजली उपलब्ध करा दिया, कौन सा काम नहीं हुआ। हमने 7 निश्चय की बात कही थी और 7 निश्चय के अधीन क्या था, महिलाओं को 35% का आरक्षण से लेकर के हर काम जो हम लोगों ने किया है, कौन कौन सा काम। कृषि के क्षेत्र में भी कृषि रोड मैप बना करके जो हम लोगों ने उपज बढ़ाया है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, तो कौन से क्षेत्र में हर चीज में जो काम किया है। और हर घर तो बिजली उपलब्ध करा ही रहे हैं, इसके बाद गांव में भी लोग जो खेती के लिए बिजली चाहते हैं उसके लिए भी हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। तो कितने तरह से हम लोगों ने काम किया है अब तक जो मौका मिला है। अब 7 निश्चय बताइए, महिलाओं को 35% का आरक्षण दे दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया, आर्थिक हल युवाओं को बल, किस तरह से हम स्टूडेंट्स के लिए जो काम करना शुरू किए हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम योजना, हर तरह से जो काम करने की हम लोगों ने कोशिश की है। इसके अलावे पठन पाठन के लिए अवसर बढ़े, आगे बढ़े, सूरत कितना चरण में हर जगह पर प्रमंडल के ये जिला के स्तर पर अनुमंडल के स्तर पर जिस तरह से संस्थाओं का निर्माण, जितने नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, ये सारा काम जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसको लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। और उसके लिए जितने बड़े पैमाने पर काम जो हमने तय किया, 7 निश्चय पहला और उसके अंतर्गत जो काम करना शुरू किया, और उसके बाद हमारा क्या था, हर घर नल का जल, हर हर घर घर नल का जल पहुंचा रहे हैं। और आप जान लीजिए कि 83% से ज्यादा ये काम पूरा हो चुका है, ये काम बहुत तेजी से हर घर में नल का जल पहुंचा देंगे, हम पहुंच जाएगा जो हम लोगों ने काम किया। हर घर घर तक पक्की गली और नालियों का निर्माण, टोला संपर्क योजना, जो गांव के बाहर टोला था उसका संपर्क का काम, ये सब काम को जितना किया, शौचालय का निर्माण 7वां, ये एक एक चीज पर जिस तेजी से हम लोगों ने काम किया। और इसके अलावा अन्य योजनाएं भी चलाई, उसके अलावा हमने जल जीवन हरियाली अभियान, अभी हमारे संजय झा जी इसकी चर्चा कर रहे थे, कितना बड़ा काम हुआ है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जो जल जीवन हरियाली अभियान की हम लोगों ने शुरुआत की है और कितने बड़े पैमाने पर काम करना शुरू किया। मानव श्रृंखला बनी और कितनी बड़ी संख्या में 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग उसमें शामिल हुए, 18,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला बनी और किस तरह से उसका असर हुआ। अभी हाल में 24 सितंबर को यूएन में इस बात के लिए मुझको कहा गया, हमने अपनी बात रखी जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में, कितनी बातें हम लोगों ने सब चीज को रखा इसके बारे में सब, लेकिन हम लोग तो काम करते रहते, बात धीरे धीरे जाती है दूसरी जगह पर, यहां चंद लोग जो हैं वो इसी काम में लगे रहते हैं। जो जल जीवन हरियाली अभियान में भी जो भाग लिया उसको भी कुछ लोग पार्टी से निकाल दिए। ये जल जीवन हरियाली अभियान के लिए हमने तो पूरे, ये जो मीटिंग हुई थी विधानसभा विधान परिषद की सभी दलों की, और सबकी राय और सबके सामने ये सब किया गया। तो कहने का मतलब है कि एक एक काम और उसके बारे में जितना ज्यादा हम लोगों ने शुरू किया है एक एक चीज के बारे में, तो हर प्रकार से हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। युवाओं के रोजगार की बात आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, और युवाओं का रोजगार तो यहां पर जितना हुआ है, हमने 7 तारीख को भी बताया है, पिछले 15 वर्षों में कुल 6,08,893 युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया गया, शिक्षकों में 3,98,000 पद, सिपाही, अवर पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, अन्य वर्दीधारी 51,241 पदों पर, विभिन्न आयोगों के माध्यम से अन्य सेवाओं में 1,59,652 पद, लगभग 62,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, रिक्त पदों पर जल्द ही नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन क्या था भाई, हम तो अभी का बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पहले 15 साल रहे,
उसमें 10 साल तक बिहार झारखंड एक था और तब कुल मिलाकर के कितने लोगों को रोजगार मिला, आज प्रवचन लोग दे रहे हैं कितने लोगों को रोजगार मिला। 15 वर्षों के कार्यकाल में 95,734 पदों पर भर्ती किया गया, जिसमें 90 से 2000 के बीच नियुक्तियां बिहार और झारखंड को मिलाकर के थी। शिक्षक का 33,499, पुलिस सेवा 9,198, अन्य पदों पर 53,000। तो इस तरह से, और आज की बात कर रहे हैं, और जितना तेजी से रोजगार के लिए और हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया है, अब कोई बोलता है कि हम इतना दे देंगे, ये भला बताइए। लोग बता रहा है कि कैबिनेट का बैठक करके हम इतना दिलवा देंगे। अरे जो 15 साल का था उसमें कैबिनेट का मीटिंग होता था जी, कैबिनेट की प्रत्याशा में मीटिंग करते थे। जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों को अनेक कैबिनेट का डिसीजन लेना पड़ा कि कैबिनेट की प्रत्याशा में निर्णय, लोग कैबिनेट तो करते नहीं थे समय पर, कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी कोई सम्मान नहीं देते थे। कौन सी स्थिति थी, चंद लोग को छोड़ दीजिए तो बाकी लोगों की क्या स्थिति थी, किस तरह का सरकार चलाते थे। और कहीं से भी कोई बात करे, प्रचारित करे, ये संभव है? आप समझ सकते हैं दुनिया में कहीं भी आजकल बेरोजगारी की बात लोग कर रहे हैं, जरा बताइए तो दुनिया के किसी भी मुल्क में सरकारी सेवा में ही सबको नौकरी मिलती है? ये है संभव? ये कहीं किसी को पता है? लेकिन इस तरह की बात करें, जैसे हम लोगों को कहेंगे सचेत रहिए, हम लोग एक एक काम कर रहे हैं, लोगों की आमदनी बढ़े, लोग आगे बढ़ें, और जो काम हम लोगों ने किया है आज तक, इस काम को तो जारी रखेंगे ही, और उसके अलावे हम लोग उसके आगे काम करते रहेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या काम कर दिया है, हर प्रकार से जो औद्योगिक नीतियों के बारे में जो हमने आपको शुरू में ही बताया है, जो उसमें संशोधन किया है, और उसके बाद जो हम लोग चाह रहे हैं और ज्यादा। और यही नहीं, अभी तक तो जो काम कर रहे हैं, ये काम तो होगा, उसका देखभाल होगा, उसका अनुरक्षण होगा, एक एक चीज होगा, लेकिन हमने तो ऐलान कर दिया, अगर आप लोगों ने मौका दिया आगे काम करने का, तो हम लोग तो जो कुछ भी हम लोगों ने काम आज तक किया है, उसके अलावे चाहे वो पहले का सात निश्चय का, पहला पास सात निश्चय का काम हो, जल जीवन हरियाली अभियान में जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, ये सब काम तो करते ही रहेंगे, लेकिन उसके अलावे एक और सात निश्चय दो, सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार सात निश्चय दो का हम लोगों ने निर्णय किया, और इसके बारे में 25 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। आगे के बारे में अगर फिर मौका मिलता है तो कम से कम इतना काम तो करेंगे, और जो हमारा एनडीए है उसमें और बातें आएंगी, उसमें और चीजों को जोड़ा जाएगा। लेकिन इस तरह से हमने जो तय किया है, देख लिया है कि क्या चीज है सात निश्चय में, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाएंगे। अभी तो जितना संस्थान बना है, यानी जो हमारा पॉलिटेक्निक संस्थान है, आईटीआई है, उसकी गुणवत्ता इतनी बढ़ाएंगे, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नई टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, उस सब टेक्नोलॉजी की भी वहां पढ़ाई कराएंगे, उस पढ़ाई के अलावे, ताकि इन लोगों को और बेहतर काम करने का मौका मिले। यही नहीं, और आप जान लीजिए कि हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, अल्प अवधि में, कम अवधि में ही प्रशिक्षण तो हम लोग तो कर रहे हैं, कुशल युवा कार्यक्रम, उसके अलावे भी उसमें कंप्यूटर पर काम करना लोग सीखते हैं। लेकिन अब इसके माध्यम से जो नई तकनीक है और जिसका उपयोग करके लोग ज्यादा रोजगार पा सकते हैं, उस तरह की नई तकनीक को सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये काम हम लोग करेंगे, और हर प्रमंडल में टूल रूम बनाएंगे, जिसमें जो भी पढ़े हैं, चाहे आईटीआई की पढ़ाई हो, चाहे यहां से लोग पढ़ करके गए हों पॉलिटेक्निक संस्थान, जो कुछ भी, और उसके अलावे भी जो इन संस्थानों में नहीं पढ़े हैं, उसके अलावे उनके लिए भी हर प्रकार की ट्रेनिंग देकर के, जो आज बाहर लोगों को जाना पड़ता है, हम तो सात निश्चय दो के अंतर्गत जो पहला प्रावधान हमने किया है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यानी लोगों को इतनी ट्रेनिंग और इतना काम यहां का वो कर पाएंगे कि किसी को मजबूरी में बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी। कोई इच्छा से बाहर को जाना चाहे, उसको रुकावट नहीं है।
लेकिन किसी को मजबूरी में नहीं जाना पड़े तो ये काम हम लोगों ने सोचा किया है। और स्किल और उद्यमिता के लिए हम एक विभाग अलग से बनाएंगे ताकि इसमें सब चीजों को एक साथ जोड़ करके एक एक काम हम लोग करवाएंगे। और इसके अलावे उद्यमिता विकास हेतु अनुदान देंगे, युवाओं को 3 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान देंगे और 7 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज अनुदान भी देंगे, 7% का ब्याज अनुदान भी देंगे। तो एक एक काम ताकि लोगों को सहूलियत मिले, महिलाओं के लिए और आगे बढ़कर के दूसरा कदम है हमारा सशक्त महिला, सक्षम महिला, यानी महिला उद्यमिता हेतु जो विशेष योजना, अभी जो हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े वर्ग के लिए जो हम लोग 10 लाख रुपए की सहायता, 5 लाख रुपए का अनुदान, और जो हम लोग मदद करते हैं ब्याज मुक्त ऋण 5 लाख रुपया देते हैं, तो उसी तरह से हर महिला को जो अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े से अलग भी महिलाएं हैं, हर प्रकार के हर महिलाओं को इस तरह का लाभ हम लोग देंगे। और इसके बाद आप जानते हैं हम लोग तो देते हैं, जो उच्चतर शिक्षा पास करती है, मैट्रिक पास करती है, इंटर पास करती है, इंटर पास करने पर अविवाहित महिला को हम लोग दे रहे हैं 10,000 रुपया, और जब वो पास कर जाती है स्नातक पास कर जाती है तो उसको 25,000। अब अगली बार हम लोगों को मौका दीजिएगा तो हर महिला को इंटर पास करने के बाद 25,000 रुपया और 50,000 रुपया देंगे अगर वो पास कर गई ग्रेजुएट हो गई तब, तो इस तरह से उसको करेंगे। और इसके अलावे एक एक काम क्षेत्रीय प्रशासन में, सिर्फ हम महिलाओं के आरक्षण में यकीन नहीं करते, जितना भी हमारा है हर प्रकार का जो सरकारी ऑफिसेज हैं, चाहे वो पुलिस का हो या प्रशासन का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, उन सबों में महिलाओं की पोस्टिंग और उसकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, हर जगह दिखे कि सिर्फ सरकारी दफ्तर में पुरुष नहीं है। जो हमने 35% का आरक्षण दिया है 2015 से ही, तो इस तरह से उसमें भी महिलाएं रहे, यह भी हम लोगों ने प्रावधान महिलाओं के लिए किया है। और उसके अलावे हम तो पहले से ही बोल रहे हैं, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे, अगली बार मौका मिलेगा हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। ये बात हमने इसी महीने में 1 मार्च को ही हमने कहा था इसका ऐलान, उसके बाद से हम निरंतर इस बात को कह रहे हैं। हमारे 7 में से 2 का हिस्सा है हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। और उसके बाद हर ग्राम इलाके में स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। अब हर घर तक बिजली दे दिया पहुंच गया, लेकिन हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा ताकि बाहर भी रोशनी रहे, ये उपाय हम लोग करेंगे। ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन, कोई भी किसी भी तरह का अवशिष्ट नहीं रहे, उसके प्रबंधन का इंतजाम हम लोग करेंगे। और 7 निश्चय योजनाओं के अंतर्गत जितना काम है जिसका हमने जिक्र किया है, वो सब का मेंटेनेंस अनुरक्षण का काम होगा। और इसके अलावे पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास, चौर क्षेत्र विकास पर जोर, एक एक चीज किया जाएगा। लेमन ग्रास और खस ग्राम की खेती से भूप्रास से बचाव के लिए ये सब काम हम लोग करेंगे। इसके अलावे स्वच्छ शहर विकसित शहर, वहां भी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन। उसके अलावे शहरों में वर्षा जल के निकास हेतु स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा। वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल का निर्माण, अब ये जान लीजिए हर शहर में वृद्धजनों के लिए, कई लोगों को परिवार में इज्जत नहीं होती है, वो बाहर रहना चाहते हैं, ऐसे वृद्धजनों के लिए हम लोग आश्रय स्थल का निर्माण हर शहर में करा देंगे ताकि कोई वृद्धजन को किसी तरह की परेशानी नहीं हुए, और इसके बेहतर प्रबंधन और संचालन की व्यवस्था की जाएगी। और शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन, और सब बाद में शहर में गरीब है, उसको रहने की कोई जगह नहीं है, तो बहुमंजिला बिल्डिंग बना बना करके, भवन बना करके हम लोग इस प्रकार के सब लोगों को जो शहरी में गरीब लोग हैं, वो भूमि जगह नहीं है उनको रहने की, किसी भी प्रकार का उसको रहने का स्थान नहीं है, मकान की बात तो छोड़ दीजिए, तो ऐसे तमाम लोगों को हम लोग इंतजाम करके बहुमंजिला इमारत बना करके सबको रखने का इंतजाम करेंगे। और इसके अलावे शहर हो या महत्वपूर्ण नदी घाट हो, इन सब में मोक्ष धाम का निर्माण घेर करके करेंगे,
और विद्युत सवदाह गृह भी हर जगह प्रबंध करेंगे ताकि किसी तरह से लोगों को अंतिम संस्कार में कोई तरह की कठिनाई नहीं हो। सुलभ संपर्कता के लिए 7 निश्चय में हम लोगों का है ग्रामीण पथों की संपर्कता। अब जो हर गांव को जोड़ रहे हैं लेकिन अब वैसे पथ भी बनाएंगे कि एक दूसरे गांव को जोड़ते हुए अगर हम किसी अच्छी और जगहों पर जरूरी जगहों पर जाना चाहें तो वहां जा सकते हैं। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे या कोई खास जगह है, अस्पताल, कई तरह की चीजें हैं जहां पर पहुंचाना, वैसे जगहों के लिए भी हम लोग और भी सड़कों का योजना बना करके उसका निर्माण कराएंगे ताकि और लोगों को कम से कम समय में उचित जगह पर जाने में सुविधा हो। और शहरी क्षेत्रों में अब आप जानते हैं धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ रहा, तो शहरी क्षेत्रों में बाईपास का निर्माण और फ्लाईओवर का निर्माण यह भी कराएंगे। और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए कहने का मतलब पशुओं के लिए भी, यानी आप समझ लीजिए 8 से 10 पंचायत में हम लोग पशुओं के लिए चिकित्सा केंद्र स्थापित करेंगे, पशु अस्पताल 8 से 10 पंचायतों में, और टेली मेडिसिन की सहायता से हर गांव को जोड़ करके अगर किसी का कोई पशु को किसी प्रकार की बीमारी है तो उसको वो सूचना दे सकता है, लोग देख भी सकते हैं, दवा के बारे में बता सकते हैं और आकर के अस्पताल से उसको देख सकते हैं। तो पशुओं के लिए भी इंतजाम और लोगों के लिए भी गांव गांव तक जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता के लिए जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसकी संख्या और बढ़ाते हुए और उसके बाद उसमें भी बेहतर इंतजाम करके जांच के लिए भी, और उसको लिंक करेंगे हम लोग टेली मेडिसिन से, जो भी हॉस्पिटल जितने हमारे हर अस्पताल के लिए, चाहे उसको जिला के अस्पताल में, अनुमंडल के अस्पताल में, प्रखंड के अस्पताल से लिंक करना जरूरी हो, उस तरह का उसका लिंक रहेगा ताकि संपर्क स्थापित होगा, तुरंत किसी के बारे में गांव में ही से ही पता चल जाए और उसको किस प्रकार की जांच होनी चाहिए उसके जांच का इंतजाम किया जाए। तो ये सब काम करेंगे। अब आप सोच लीजिए, तो हम लोगों ने सोच लिया है एक एक चीज, तो जो काम करते रहे हैं आगे भी काम करेंगे, ये तो आप लोगों का धर्म, हमारा धर्म है लोगों की सेवा करना। अब आप लोगों पर निर्भर है कि वो क्या चाहते हैं, और लोगों को काम में दिलचस्पी नहीं है, लोग अपनी बात को दूसरे ढंग से रख करके समाज में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। हम तो सब लोगों से अपील करेंगे कि समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल रहे, और काम के आधार पर आप निर्णय लीजिए। हम लोगों ने इतना दिन काम किया है, काम के आधार पर निर्णय लें, और आपको लगता है कि हमारा काम हुआ है तो आगे की हमारी योजनाओं को भी देख लीजिए। तो हम लोग तो काम कर ही रहे और केंद्र सरकार की तरफ से भी सहयोग मिल रहा, जो हम लोगों की अपनी हैसियत है उससे भी काम कर रहे हैं, और केंद्र का भी सहयोग हर क्षेत्र में, चाहे आज के आधुनिक युग में कोरोना की बात हो या किसी चीज की बात हो, उसमें मदद या अन्य प्रकार जो हमारे बाहर लोग फंसे थे भी यहां आ गए हैं, उनको यहां उनको काम बेहतर दिया जाए उसके लिए मदद। इसके अलावा सब लोगों के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अनेक प्रकार की सड़क और पुल क्षेत्र में सहयोग, मेडिकल कॉलेज के निर्माण में सहयोग, हर तरह से आप देखिए तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एलपीजी का कनेक्शन सबको देना, और उसके बाद अभी 3 महीने तक लोगों को मुफ्त में गैस का इंतजाम कराना, ये सब लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से जो भी काम किया गया है। तो हर तरह से राज्य सरकार अपना काम कर रही है और केंद्र सरकार से भी सहयोग मिल रहा है, इसलिए हम तो आग्रह करेंगे कि आप इन सब चीजों को काम के आधार पर आप निर्णय लीजिए। हम लोग तो यही आग्रह करेंगे, और हम तो समाज में प्रेम का और भाईचारे का माहौल, सद्भावना का माहौल चाहते हैं, और हमको पूरी उम्मीद है किसी को ध्यान में रखते हुए आप वोट दीजिएगा। और हमारा तो यही वादा है, काम करते रहे हैं, आप मौका दीजिएगा आके और काम करेंगे, लेकिन आप तो मालिक, भाई जनता मालिक है, उसको फैसला करना है कि हम लोगों का काम पसंद है तो मौका दीजिए, अगर लगता है आपको कि हम लोगों का काम पसंद नहीं है तो निर्णय लेने का अधिकार आपको है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, ये निर्णय लेने का अधिकार सबको है, लेकिन अगर मौका दीजिएगा तो हमने इस बात की चर्चा की, हम तो लोगों के बीच में सेवा करते हुए काम करते रहेंगे,
हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, जो न्याय के साथ विकास जिसकी हमने चर्चा की है और हर बार हम इस बात का जिक्र करते हैं, यह काम तो हम लोग करते ही रहेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन दूसरे लोगों में कोई दम नहीं है ये हम बता देना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं और हम समाज को एकजुट करना चाहते हैं। लोग समाज को बांटना चाहते हैं, अनेक प्रकार के भ्रम पैदा करके लोगों को बांटना चाहते हैं, लेकिन हम लोग तो समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं। तो हम तो यही आपसे अपील करेंगे कि भाई काम देख लीजिए, हम तो काम करने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो जुबान चलाते हैं, काम करने से कोई रुचि नहीं है, न काम करने के बारे में किसी भी प्रकार का अनुभव है न अब आजकल तो चल रहा है, ये क्या अब स्थिति है। हम लोग तो पूरे बिहार को अपना एक परिवार मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का क्या है, पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है, पर हमारे लिए तो पूरा बिहार परिवार है। तो हम तो पूरे बिहार के परिवार के सदस्य हैं और हम सब एक परिवार के अंग हैं। और कुछ लोग जो निजी परिवारवाद पर चल रहे हैं, समाज को जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इससे सचेत होइएगा। आप जान लीजिए विकास का काम जितना हो, लेकिन अगर आपस में झगड़ा पैदा किया जाएगा तो विकास पीछे चला जाता है। इसलिए आपस में विवाद पैदा करने की जो लोग कोशिश करते हैं, सचेत रहिए, सजग रहिए और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए जो हम लोगों ने काम किया है उसकी बात को मौलिक रूप से समझिए। और जिस प्रकार से हम लोगों ने सेवा किया है, अब जो नई पीढ़ी के लोग हैं, अब 15 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल पहले जो बुरा हाल था उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होगी। तो ये तो आप लोगों का कर्तव्य है कि लोगों को बता दीजिए, एक एक चीज को लोग देख लें और किस तरह से नई पीढ़ी के लोगों को युवक और युवतियों के उत्थान के लिए जो बात हमने आपको अभी बता दिया और जो बात हम प्रतिदिन बोलेंगे और जो बात हम लोगों का हमारा जो कर्तव्य है कि हम नई पीढ़ी को और आगे बढ़ाएंगे ताकि लोग विकास करें, समाज को आगे बढ़ाएं। और एक बात हम कह करके अपनी बात समाप्त करेंगे कि कुछ लोग हैं जो समाज में विवाद पैदा करना चाहते हैं और उसके साथ साथ पर्यावरण पर संकट लाते हैं, समाज सुधार की बात नहीं करते हैं। हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, हमने बिहार की महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू किया, चंद लोग गड़बड़ करने वाले तो होंगे ही, ये कोई नहीं कह सकता है कि समाज का हर व्यक्ति ठीक ही हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ करता है। लेकिन आम तौर पर जो लोगों को इसका फायदा हुआ है, किस तरह का लाभ, और बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ भी हम लोगों ने अभियान चलाया। तो हम लोग तो समाज सुधार के लिए भी काम करते हैं, समाज में प्रेम भाईचारे का माहौल, सद्भावना का माहौल पैदा करने के लिए काम करते हैं, विकास का काम करते हैं। और सिर्फ विकास नहीं, न्याय के साथ विकास, यानी हर इलाके का विकास, हर तबके का उत्थान, इसके लिए जो काम करते हैं। और जो भी किनारे पर था, हाशिए पर था, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, चाहे वो महादलित हो, दलित हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, महिलाएं हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, इन तमाम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने काम किया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा, गौर कीजिएगा, और हम तो अब यही आग्रह करेंगे कि इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए और हमारे जितने उम्मीदवार हैं, मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सब लोग मेहनत करिए, लोगों के साथ जनसंपर्क करिए और लोगों को एक एक बात बताइए और समाज के हर तबके के लोगों को हम यही अपील करेंगे कि काम के आधार पर आपका निर्णय होगा तो ये सबों के हित में होगा, राज्य के हित में होगा और देश के हित में होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करूंगा, यही मैं अनुरोध करूंगा कि काम के आधार पर ही आप सब चीज का आकलन करके, अध्ययन करके मतदान कीजिए, यही हम निवेदन आप सब लोगों से करेंगे। और इस बार जो मतदान होने वाला है तो हम तो आप सब लोगों से ही आग्रह करेंगे कि भाई ये जो मास्क है, ये मास्क पहन करके ही मतदान कीजिएगा। मैं यही आग्रह करूंगा कि वोट डालने जाइएगा
तो मास्क पहन करके वोट डालिएगा। और महिलाओं से तो हम हमेशा अनुरोध करते रहे, सबसे पहले जाकर के वोट आप डालिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और हमारे जितने उम्मीदवार हैं और एनडीए के जितने भी उम्मीदवार हैं, सब लोगों को भारी मतों से विजयी बनाइए, यही अनुरोध और निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और हम लोगों के बीच में माननीय सांसद ललन सिंह जी भी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत इस कार्यक्रम में करता हूं। और जितने साथी ग्यारहों विधानसभा से जुड़े एनडीए के जितने कार्यकर्ता, जितने नेता जो विभिन्न क्षेत्रों में इस कार्यक्रम में जुड़े रहे हैं, जो हमारे साथी यहां पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग अलग अलग जगह पे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभा समाप्त की घोषणा करता हूं। बहुत